लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं ओमकार पांच तत्वों से निर्मित प्राणी में जब तक मैं समाविष्ट नहीं होता तब तक प्राणी पूर्ण ही नहीं होता, अर्थात मैं पंच तत्वों का प्राण आधार हूं। मैं ओंकार हूं। गुरु बृहस्पति के ही परामर्श से सभी देवगण शक्ति माता के आवाहन के लिए हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं। देव गुरु देवर्षि देवताओं और पृथ्वीवासियों की करुण पुकार सुनकर शक्ति स्वरूपा माता पार्वती भोलेनाथ को प्रणाम कर कैलाश से प्रस्थान करती है। तदुपरांत माता पार्वती मां जगदम्बा के रूप में सभी के सम्मुख प्रकट होती है तथा उनके हृदय से एक ज्योति निकलती है जो चार भुजी शताक्षी माता का स्वरूप धारण कर लेती है एवं उनके नेत्रों से अश्रु वर्षा प्रारंभ होती है जिसके प्रभाव से सूखाग्रस्त पृथ्वी हरी भरी हो जाती है। किंतु देवर्षि नारद के मन में भूख से पीड़ित प्राणियों की चिंता प्रश्न के समान खड़ी हो जाती है और वो माँ जगदम्बा से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे दयामयी मातेश्वरी, आपकी कृपा से पुनः पृथ्वी हरी भरी हो गई, परंतु भूख से पीड़ित अपने पुत्रों के प्राणों की रक्षा करें माता। जल के बिना अन्न की कल्पना भी नहीं की जा सकती माता। बिना अन्न के भूख से तड़पते तड़पते निष्प्राण होते हुए अपने पुत्रों पर कृपा करें माता, दया करें। देखे माता, अपने पुत्रों की दुर्दशा देखें, दुर्गमासुर के अत्याचार और भूख से तड़प तड़प के निष्प्राण होते हुए अपने पुत्रों की दुर्दशा देखें माँ। दया करो मातेश्वरी, दया करो मातेश्वरी, कृपा करो मातेश्वरी, कृपा करो मातेश्वरी, रक्षा करो मातेश्वरी। जिस प्रकार मेरे शताक्षी स्वरूप ने पृथ्वी पर अपने अश्रु से जल की वर्षा की है, उसी प्रकार भूख से तड़प तड़प कर निष्प्राण होते पृथ्वी वासियों के प्राण की रक्षा के लिए मेरा शाकंभरी स्वरूप पृथ्वी वासियों को शाक फल तथा वनस्पति प्रदान करेगा। शाकंभरी स्वरूप प्रकट हो। शाकंभरी माता की जय। करुणामयी शाकंभरी माता की जय। जीवदायिनी शाकंभरी माता की जय। शाकंभरी माता की जय। हे करुणामयी माता शाकंभरी, भूख से तड़प तड़प कर निष्प्राण होते अपने पुत्रों को फल वनस्पति और शाक प्रदान कर आपने दुष्ट दुर्गमासुर की दुष्टता का अंत प्रारंभ कर दिया है, आपको शत शत प्रणाम।
दयामयी शाकंभरी माता की जय। हे दयामयी माँ जगदम्बा, आपने यहाँ प्रकट होकर ये सिद्ध कर दिया कि आप सदा ही हम भक्तों पर दयालु रही हैं। दया करो माँ, दया करो और उस दुष्ट दुर्गमासुर के अत्याचारों से हमें मुक्ति दिलाओ, हमें मुक्ति दिलाओ माँ, मुक्ति दिलाओ। हम मंद बुद्धि देवताओं के अपराध को क्षमा करें माता, हमें दुर्गमासुर के आतंक एवं अत्याचार से मुक्ति दिलाए। माता, दुष्ट दुर्गमासुर ने हम सब पर ही नहीं अपितु तो दिव्य ज्ञान के सागर वेदों पर भी भयानक अत्याचार किए हैं। उसे दंड दे माता, उसे दंड दे। माता, परमपिता ब्रह्मा जी से अनेक वरदान प्राप्त कर अतुल बल का स्वामी दुष्ट दुर्गमासुर परमपिता ब्रह्मा जी श्री हरि विष्णु भगवान भोलेनाथ तथा श्री गणेश से अवध्य है। उसका अंत केवल आप ही कर सकती हैं। हमारे जीवन की रक्षा करो माँ, हमारे जीवन की रक्षा करो माँ, हमारे रक्षा करो माँ, हमारे रक्षा करो। त्राही माम, त्राही माम, त्राही माम। दुर्गमासुर का अंत कर, हमें उसके आतंक से मुक्त करे माँ। आप सभी सुने, अब दुर्गमासुर का अंतकाल आ गया है। मैं उस दुष्ट का संहार कर आप सभी को उसके आतंक से मुक्त करने के साथ ही देवराज इंद्र को स्वर्ग लोक तथा वेद गणों को ब्रह्मा जी के कर कमलों में प्रतिष्ठित करूंगी। जगत जननी शिव शक्ति माँ जगदम्बा की जय। 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 मैं तुझे तेरी दुष्टता का दंड देने के हेतु प्रकट हुई हूँ। शीघ्र मेरे सम्मुख उपस्थित हो, उपस्थित हो, उपस्थित हो। दुष्ट दुर्गमासुर मेरे सामने प्रकट हो। पापी, मैं तुझे तेरे पापों से मुक्त करूँगी। अट्टहास न कर दुर्गमासुर, यदि साहस है तो मेरे सम्मुख उपस्थित हो। एक सुंदर नारी की सुंदरता देख रहा हूं। क्या तुमने ही संसार के विधाता स्वर्गाधिपति दुर्गमासुर का आवाहन किया है सुंदरी? कहो, तुम्हारी सुंदरता के दास हो गए त्रिलोकपति दुर्गमासुर के लिए क्या आज्ञा है सुंदरी? दुष्ट पापी दुर्गमासुर, जा इसी समय जाकर वेदों को स्वतंत्र कर। तुम्हारी आज्ञा का पालन होगा सुंदरी। और कहो, स्वर्ग देवराज इंद्र को देकर पाताल लोक चला जा, तेरा वही स्थान निश्चित है। दुर्गमासुर तेरी इस आज्ञा का भी सम्मान करता है सुंदरी, ऐसा ही होगा। तेरे साथ पाताल तो क्या, नरक में रहना भी ये दुर्गमासुर सहज स्वीकार कर लेगा। किंतु ये तो बता सुंदरी, तू है कौन? मैं परात पर ब्रह्म परमात्मा की आदि शक्ति हूँ। शक्ति? तो इस महाशक्तिशाली दुर्गमासुर की बन जा। मैं त्रिलोक की सत्ता तेरे चरणों में ढाल, तेरा सेवक बनकर प्रसन्न हो जाऊंगा सुंदरी।
सुंदरी आ, मेरे पास आ सुंदरी, मैं तेरा प्रेम पाकर धन्य हो जाऊंगा। सुंदरी आ आ सुंदरी, आ सुंदरी मुझसे प्रेम कर। सुंदरी आ आ सुंदरी आ। इस दुष्ट दुर्ग मासुर के अपशब्दों को सुनकर भी शक्ति माता उसे दंडित क्यों नहीं करती? देवराज, शक्ति माता का ये आचरण जीवन में धैर्य की शिक्षा देता है। धैर्य? इस दुष्ट के अपशब्दों को सुनकर भी धैर्य? देवगुरु, देवराज, धैर्य की सर्वाधिक कमी आप में है। माता के आचरण से शिक्षा लें और धैर्य धारण करना सीखें। मुझे और अधिक प्रताड़ित ना करें देवर्षि, मैं अपने व्यवहार के लिए स्वयं लज्जित हूँ। नारायण नारायण, तो इतना समझ लो देवराज इंद्र कि जब तक दुष्ट दुर्गमासुर के पाप का घड़ा भर नहीं जाता तब तक माँ शक्ति उसका संहार नहीं करेगी। त्रिलोकपति दुर्गमासुर को और प्रतीक्षा ना करा। सुंदरी आ, आ मेरे समीप आ। सुंदरी आ। दुर्गमासुर, इस संसार में शक्ति का आश्रय एकमात्र शिव है। शिव की शिवा पर कुदृष्टि डालकर तूने अपनी मृत्यु निश्चित कर ली है दुष्ट। ले अपने दुस्साहस का फल। यूं अपनी शक्ति का प्रदर्शन ना कर सुंदरी, मुझे ब्रह्मा ने अतुल्य शक्ति का वरदान प्रदान किया है। अब ये खेल रोक दे और आ आ मुझसे प्रेम कर। सुंदरी मुझसे प्रेम कर। प्रहार! शक्तियां परास्त हो गई हैं। अब व्यर्थ में अपना समय व्यतीत न कर, स्वयं चलकर मेरे समीप आ, आ। नहीं तो ये महापराक्रमी दुर्गमासुर तुझे बलपूर्वक अपने वश में कर लेगा और तब तू दुर्गमासुर की महारानी नहीं, वेदों के साथ पाताल लोक में उसकी बंदनी होगी। अपनी हट छोड़ सुंदरी, आ मेरे समीप आ।
स्वयं चलकर आ सुंदरी और अपने भाग्य का निर्माण कर। त्रिलोक के सिंहासन पर शोभायमान हो सुंदरी, जो तुझे उस औघड़ नंग धड़ंग शिव से कभी प्राप्त नहीं होगा। आ आ सुंदरी आ। दुर्गवासुर, मुझ पर कुदृष्टि डालने एवं विश्व के नाथ सदाशिव को अपशब्द कहने से तेरे पाप का घड़ा भर गया है। अब तेरा अंत निश्चित है। ले संभाल मेरा प्रहार। मैं तुझे अपनी अतुल्य शक्तिशाली भुजाओं में पीस के रख दूंगा। संभाल मेरा चरण प्रहार। आ, 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 आ,